मेरठ में कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। पिछले 5 दिनों में जहां कोरोना से 60 से ज्यादा मौतें हुई, वहीं एक बुजुर्ग महिला जिनकी उम्र 100 साल है, उनके हौसलों के सामने कोरोना ने दम तोड़ दिया। 100 साल की बुजुर्ग सरदार कौर मूल रूप से बागपत की रहने वाली है और पिछले दिनों पंचायत इलेक्शन में अपना कीमती वोट डालने गांव गई थी, जिसके बाद से उनको तेज बुखार, खांसी और जुकाम रहने लगा। कोरोना की जांच कराई तो पॉजिटिव आई। बुजुर्ग महिला के बेटे दृष्टिधुमन सिंह ने बताया कि परिवार के सभी लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद अम्मा जी के हौसले को देखकर परिवार के अन्य सदस्यों में भी हिम्मत आई। उन्होंने बताया कि बीमारी में भी अम्मा जी योग, व्यायाम आदि कर रही थी और प्रोटीन से भरपूर मात्रा में खाने का सेवन करती रही, जिसके बाद 15 मई को जब जांच कराई गई तो बुजुर्ग सरदार कौर समेत सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई। बीमारी को कैसे बचाया? बीमारी से बचाया, अपना बचाव किया, खान पान सावधान रखा, सब परिवार का एक ऐसा खाना रखा, ये नहीं हुआ कि भाई तरह किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का कुछ नहीं, सबको एक हिम्मत हिम्मत रखी, हिम्मत नहीं हारी किसी ने भी। घर में सबसे पहले बचे हम। देखिए, कोरोना की जंग जीतने के लिए सबसे बड़ा है, कोरोना से निगेटिव होने के लिए खुद पॉजिटिव होना पड़ता है, परिवार के सदस्यों को पॉजिटिव करिए। मतलब हिम्मत मत हारिए, दृढ़ इच्छा शक्ति मनोबल के बल पर उचित इलाज योग्य चिकित्सक का, अपने आप मत करिए सब कुछ के ये ले लिया वो ले लिया, उसके बलबूते जो आवश्यक संसाधन थे, उपकरण थे, ऑक्सीजन गैस का, इसका सारे संसाधन जुटाए बेटे ने, बहू ने। यद्यपि ये भी सारे पॉजिटिव थे, मेरी पोती भी 9 साल की, वो भी पॉजिटिव थी, मिसिज भी पॉजिटिव थी, सारे संसाधन जुटाकर संपर्क और संबंधों के बल पर, सोशल सर्किल के बल पर, और यही इलाज किया घर पर और पूरी रिच डाइट दी। उसी के बलबूते दृढ़ इच्छा शक्ति जो अम्मा की है, जो आप देख रहे हैं, ये 5 साल गांव की प्रधान भी रहली, गुरुकुल की पढ़ी हुई है, इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, इनके बलबूते हमने नहीं हारी। अपने आप खाना खाया इस दौर में भी, अपने आप सारे काम किए और कोरोना का जंग जीती, और 15 तारीख को हमारी कोरोना की पॉजिटिव नेगेटिव रिपोर्ट आई।